गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल अपन ने अपवर्तन के सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया था और आज अपन उसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए अपवर्तन के जो दो नियम हैं, जिस प्रकार से परावर्तन के नियम हैं उसी प्रकार अपवर्तन के जो दो नियम हैं उन दो नियमों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। देखो, पहला ही पहला आ रहा है अपवर्तन का। कई बार ये प्रश्न आ चुका है बोर्ड की परीक्षा में, अपवर्तन का सिद्धांत बताते हुए अपवर्तन का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखो, अपवर्तन का नियम को चाहे अपवर्तन का सिद्धांत को, दोनों बात एक ही होगी। अगर प्रश्न पूछता है अपवर्तन का नियम तो भी यही होगा, और अगर पूछता है सिद्धांत तो इन सिद्धांत का अर्थ भी यही होगा। तो अपवर्तन के नियम और अपवर्तन के सिद्धांत दोनों एक ही होंगे। पहला ही पहला देखो, अपवर्तन का प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या होता है? अपवर्तन में आपतन कोण की ज्यामिति, अपवर्तन कोण की ज्यामिति यानी जो निश्चित एक प्रकार का, ज्यामिति का मतलब क्या होगा? कोण, यानी यह एक बिंदु है, इस बिंदु को क्या कहेंगे अपन? ज्यामिति बिंदु कहेंगे। यानी यह इस प्रकार का लंब होगा और इस प्रकार की किरण होगी और इनके बीच में जो ये कोण बनेगा, इस कोण को अपन क्या कहते हैं? ज्यामिति। यानी आधार, कर्ण और लंब के बीच की जो अवस्था होती है, एक त्रिभुज जो एंगल बनता है, त्रिभुज के एंगल को क्या कहा जाता है? ज्यामिति। तो अपवर्तन में आपतन कोण आई की ज्यामिति एवं अपवर्तन कोण में आर की ज्यामिति, यानी ये कोण आई होगा और इसी प्रकार दूसरी अवस्था में भी वापस कोण इस प्रकार से क्या बनेगा? आर। कोण आई तथा आर जो अपन ने कल अनुपात पढ़ा था, ज्यामिति का अनुपात स्थिर रहता है। यानी इन दोनों का मान, इन दोनों के मान में जो कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी इस कोण का मान अगर 35 डिग्री है तो यहाँ पर भी वापस पुनः बनने वाले कोण का मान क्या होगा? 35 डिग्री होगा। और यह भी किसकी ऊपर निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति के ऊपर। यदि अगर काव जैसे यह पदार्थ है, ये अगर कोई कांच की वस्तु है, पारदर्शी पदार्थ है, अगर कांच के अंदर अपवर्तन, अगर अपन यह नियम जो लागू करते हैं, यह अगर एक बार 35 डिग्री का कोण बन गया तो हमेशा बनने वाला जितना भी कोण होगा वो हमेशा हर अवस्था में कितना बनेगा? 35 डिग्री ही बनेगा। इसको कहते हैं अपन स्थिरांक। यानी कभी भी यह ज्यामिति जो कोण बनते हैं प्रकाश और उस पदार्थ के बीच में, वह ज्यामिति कोण हमेशा क्या रहते हैं? निश्चित रहते हैं। यानी देखो, साइन आर बटा साइन आई के मध्य जो बनने वाला कोण होगा वह एक प्रकार का स्थिरांक होगा। तो देखो, पहला ही पहला अपवर्तन का सिद्धांत कहता है कि आपतन कोण की ज्यामिति आई तथा आपतन कोण आर की ज्यामिति के बनने वाला जो कोण होगा वह उस पदार्थ की प्रकृति के ऊपर निर्भर करेगा और ये ज्यामिति का मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। यह हमेशा उस समान रूप से क्या रहता है? स्थिर रहता है। स्थिरांक, स्थिरांक का मतलब होगा वह मान जो कभी भी परिवर्तित नहीं होता। एक बार वैज्ञानिक जिस मान को निकाल लेते हैं वो उसका क्या कहलाता है? स्थिरांक कहलाता है। दूसरा आता है, सब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, और ये कई बार प्रश्न आ चुका है, जिसका दूसरा नाम है अपवर्तन की जगह स्नेल का नियम या स्नेल का अपवर्तनांक, या इसको दोनों भाषा में कहते हैं अपवर्तन का द्वितीय नियम भी कहा जाता है या स्नेल का अपवर्तनांक का नियम भी कहा जाता है। एक माध्यम का वेग का अनुपात दूसरे माध्यम के वेग के अनुपात की पदार्थ की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। यानी प्रकाश V1, देखो अब यहाँ से कल जो अपन ने अपवर्तन का एक इस प्रकार का चित्र बनाया था, और यहाँ पर अपन ने एक प्रकार का कोई कांच था, ये बी था, ये सी था और ये क्या था? डी। अब देखो, इस दोनों सिद्धांतों को अपन अप्लाई करते हैं, तो जब अप्लाई करते हैं तो ये देखो, ये एक प्रकार का अपन ने कल पढ़ा था लंब है, ये प्रकाश की किरण आ रही है और ये प्रकाश की किरण या कोण आई बना रही थी और यह इससे अपने पथ से कुछ लंब की ओर झुक जाती थी। पहला ही पहला सिद्धांत आता है नियम नंबर एक। अपवर्तन के जो नियम है उसमें पहला नियम आता था, कल अपन ने पढ़ा था, सघन माध्यम के अंदर जब प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी, ये कौन सा माध्यम होगा? सघन माध्यम। सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी तब वो जो प्रकाश की किरण है अपने मूल पथ से कुछ मात्रा में क्या हो जाएगी? हट जाएगी और लंब की ओर झुक जाती है। यानी यह नियम कब होगा? जब विरल माध्यम में से क्या आए? सघन माध्यम में।
अब जैसे कोई प्रकाश की किरण है चल रही है, उसका वेग क्या हो गया, v1 हो गया, और जब वह सघन माध्यम में आएगी तो उसका वेग क्या हो जाएगा, v2। क्यों? क्योंकि इस विरल माध्यम में कण क्या होंगे, दूर दूर होंगे, कण क्या रहेंगे, दूर दूर, और सघन माध्यम में कण क्या रहेंगे, पास पास, और जिस कारण प्रकाश के वेग में क्या आएगा, परिवर्तन, प्रकाश के वेग में क्या आएगा, परिवर्तन। तो दे रखा है देखो, प्रकाश का हवा में वेग, प्रकाश का वायु के अंदर वेग v1, तथा प्रकाश का माध्यम में वेग, वस्तु के अंदर वापस जाने में, यह उस पदार्थ का क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। यानी इन दोनों का जो अनुपात है, वेग का अनुपात, पहले तो अपन ने पढ़ा कोण का अनुपात, इन दोनों के कोणों का अनुपात, यह भी जो है वह स्थिरांक रहेगा। और इन दोनों वस्तुओं के बीच में बनने वाला पहला नियम कह रहा है, यह तो किससे संबंधित हो गया, कोण से, यानी इनके बनने वाला बीच की ज्यामिति आकार जो कोण होगा वह एक क्या रहता है, स्थिर रहता है, स्थिरांक रहता है, वह कभी भी परिवर्तित नहीं होता। और दूसरा किससे संबंधित हो गया, स्नेल का नियम वेग से संबंधित हो गया, किसका वेग, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग जो होगा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करेगा तो उसके वेग में परिवर्तन होगा, और यह परिवर्तन भी अपवर्तनांक कहलाता है, और यह अपवर्तनांक कभी भी परिवर्तित नहीं होता, इसका मान हमेशा निश्चित रहता है। कांच हो गया, जल हो गया, यह सब घटनाओं के कारण इनका अपन क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। मित्रों, अब ये अपवर्तनांक हमारे वास्तविक जीवन में कहाँ कहाँ दिखाई देता है, अपवर्तनांक के अगर प्रश्न आ जाए कि अपवर्तनांक के उदाहरण क्या क्या हैं, तो देखो अपने सामान्य अगर देखें तो हमारे घरों में एक कांच की गिलास होती है, उसके अंदर अपन जो है नींबू डालते हैं तो नींबू होता है वो अपने तल से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, या नींबू का आकार हमें कांच के पानी के अंदर क्या होगा, बड़ा दिखाई देगा, लेकिन जो है उस नींबू को पानी से बाहर निकालते हैं तो नींबू हमें पुनः अपनी मूल अवस्था में छोटा दिखाई देता है। यानी क्या हो रहा है, प्रकाश के वेग में परिवर्तन आ रहा है, और वस्तु के कोण में क्या आ रहा है, परिवर्तन, और इसके कारण हमें वस्तु बड़ी आकार में दिखाई देगी और अपने तल से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। यह घटना जो है यह अपवर्तन की घटना है। एक और उदाहरण देखते हैं, अगर कांच के अंदर अपन कोई पेंसिल रखी हुई हुई है और गिलास के अंदर आधा पानी भरा हुआ है, लेकिन जो है कि गिलास के पानी के ऊपर जब हवा में होगी तब तक तो हमें पेंसिल सीधी दिखाई देगी, और पानी के अंदर जब पेंसिल होगी वह हमें कुछ इस प्रकार से मुड़ी हुई दिखाई देगी। जिस प्रकार से ये कोई एक बर्तन है, इसके अंदर जल भरा हुआ है, और यहाँ पर इस प्रकार से अपन कोई पेंसिल डाल रखे हैं, ये पेंसिल हमें वास्तविकता में यहाँ तक तो सीधी दिखाई देगी, और फिर हमें जो ही पानी के अंदर देखेंगे तो यह पेंसिल हमें यहाँ पर दिखाई देगी वास्तविकता में बड़ी, और यह आकार में भी हमें क्या दिखाई देगी, बड़ी। ये जो घटना हो रही है यह भी उदाहरण किसका है, अपवर्तन की घटना का। या इस पानी के अंदर अपन सिक्का डाल दें तो सिक्का हमें अपने तल से ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। यह सब घटनाएं किसके कारण हो रही है, अपवर्तन के कारण। यानी क्या हो रहा है, विरल माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम में आ रहा है, जिसके कारण कोण के मान में उसके ज्यामिति आकार बन रहा है, और दूसरा उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो यह सब घटनाएं, जल हैं वो पारदर्शी वस्तु हैं, कांच हैं वह भी पारदर्शी वस्तु हैं, और जो परावर्तन की जो अपन ने घटना पढ़ी वह पारदर्शी वस्तुओं पर नहीं होगी, और यह जो घटना होगी यह सीधा सीधा किस पर होती है, पारदर्शी वस्तुओं पर ही होती है, और इस कारण से यह हमें अपवर्तन की घटना दिखाई देती है। इसके साथ ही मित्रों, हमें सूर्य का सुबह सुबह जब सूर्योदय होता है तो उस समय भी हमें जो सूर्य है वह उस समय लाल दिखाई देता है। उस लाल दिखाई देने के कारण का भी कुछ न कुछ सिद्धांत अपवर्तन से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जब सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तल पर पहुंचता है यह हमारा कोई पृथ्वी तल है और यह हमारा क्षितिज है पृथ्वी का। यह पृथ्वी का क्या है, क्षितिज अक्ष है। लेकिन जब सूर्योदय यहाँ पर होगा तभी हमें सूर्य पृथ्वी पर दिखाई देने लग जाएगा, और हमें इस समय सूर्य है वो लाल दिखाई देता है। इसका भी कारण पढ़ेंगे, ये लाल क्यों दिखाई देता है। यानी यहाँ पर सूर्य इस अवस्था में है
और हमें सूर्य पूर्व ही दिखाई देने लग जाता है। यह भी हमारे वायुमंडल के कारण, यानी हमारे चारों ओर वायुमंडल है और वायुमंडल के अंदर ये माध्यम विरल है, और विरल से जब सघन में आएगा तो कौन सी घटना होगी, अपवर्तन की घटना होगी, और जिसके कारण हमें सूर्य भी पहले ही सूर्योदय से पहले ही कुछ समय पहले दिखाई दे जाता है। ऐसे कैसे संध्या काल में भी हमें सूर्य है वह कुछ धरती से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, या कल अपन ने हमने अध्ययन किया था जो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं वह भी किसके कारण दिखाई देते हैं, या अपवर्तन की घटना के कारण, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है, और यह पथ से विचलित होने की घटना ही क्या कहलाती है, अपवर्तन की घटना। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, सूर्य का सूर्योदय से पूर्व दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, सिक्के का अपने मूल स्थान से ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, यह सब अपवर्तन की घटनाओं के सामान्यतः उदाहरण है। अब कुछ मित्रों, अभी अपन ने पढ़ा कि सूर्य है, हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है, और आकाश जो है वह हमें नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग काला क्या होता है, लेकिन आकाश हमें दिन के समय नीला दिखाई देता है। इन कुछ घटनाओं के बारे में भी अपन अध्ययन करते हैं। पहला अपन ने प्रकाश के अंदर पढ़ा कौन सी घटना परावर्तन की, दूसरी अपन ने पढ़ा अपवर्तन की घटना, अब अपन तीसरी घटना पढ़ रहे हैं प्रकीर्णन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। कौन सी घटना होगी, प्रकीर्णन, जिसको क्या कहा जाएगा, प्रकीर्णन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। अब ये प्रकीर्णन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना, प्रकीर्णन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना होती है, इसमें क्या होता, अपन ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा था कि प्रकाश का रंग क्या होता है, श्वेत होता है। प्रकाश का रंग जो क्या होता है, श्वेत होता है। लेकिन यह प्रकाश जो होता है वह कितने रंगों से मिलकर के बना होता है, सात रंगों से। इन सात रंगों के अंदर सबसे जो ज़्यादा जो प्रकाश हमें इंद्रधनुष दिखाई जब देते हैं वायुमंडल के अंदर, तो इंद्रधनुष भी इसी प्रकीर्णन के कारण दिखाई देंगे। इंद्रधनुष का जो निर्माण होगा वायुमंडल में वह भी किसके कारण होगा, प्रकीर्णन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। अब देखो जी, यहाँ पर ये एक प्रकार का क्या है, प्रिज्म है, ये एक प्रकार का कांच का है जिसे अपन क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। इस प्रिज्म में ये एक कोई प्रकाश का स्रोत है, इस प्रकाश के स्रोत या टॉर्च से अपन प्रकाश को प्रवेश करवाते हैं इसके अंदर। जब ये प्रकाश इस प्रिज्म के अंदर प्रवेश करता है और जब वापस इसमें से गुजर करके बाहर निकलता है तो हमें श्वेत प्रकाश की जगह विभिन्न रंगों में दिखाई देता है, और इसी प्रकाश की, इस प्रकार के ये विभिन्न जो रंग बनते हैं इनको अपन कहते हैं स्पेक्ट्रम, इसको क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। लेकिन इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकीर्णन कहेंगे। प्रकाश का विभिन्न रंगों में बढ़ जाना तो क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रम कहलाएगा। ये प्रकाश का विभिन्न रंगों में जो बटना है, यह बटने की घटना को क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे। लेकिन प्रकाश की ये जो घटना हो रही है, इस बिंदु से प्रकाश का विभिन्न स्थानों से, देखो यहाँ पर सब अधिकांश तुम देख रहे होंगे ये कौन बना रहे हैं, यहाँ पर भी निश्चित एंगल से कुछ न कुछ क्या बन रहे हैं, हर प्रकाश का कौन बन रहा है। ये प्रकाश का जो कौन होता है, यह हर एक प्रकाश का निश्चित होता है। सबसे जो ज़्यादा प्रकाश का कौन होगा वो किसका बनता है, वॉयलेट का बनता है। वॉयलेट का मतलब होगा बैंगनी, वॉयलेट का मतलब क्या होगा, बैंगनी रंग। जो सबसे ज्यादा प्रकाश का कोण विक्षेपित होता है अपने मूल बिंदु से, यानी इसके कण क्या रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, और दूर दूर रहने के कारण ये प्रकाश सबसे ज्यादा अपना कोण बनाता है, वो कौन सा कोण बनाएगा, बैंगनी रंग बनाएगा। और प्रश्न आता है सबसे कम कोण कौन सा बनाता है, यानी विक्षेप, जिसको अपन सामान्य अगर विज्ञान की भाषा में कहते हैं विक्षेपण, विक्षेपण। विक्षेपण का अर्थ होता है अपने मूल पथ से हट जाना, यानी बैंगनी रंग जो होगा वह अपने मूल पथ से सबसे ज्यादा कोण बनाते हुए मुड़ जाएगा, उसी को अपन घटना को क्या कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं। और सबसे कम विक्षेपण किसका होगा, देखो सबसे कम किसका होगा, लाल रंग का। सबसे ऊपर वाला जो रंग होगा उसका सबसे कम विक्षेपण होगा, और जो सबसे नीचे वाला रंग होगा उसका सबसे अधिक विक्षेपण होगा। यानी सबसे ज्यादा जो प्रबल है वह कौन हुआ, लाल रंग हुआ। यानी यह आसानी से अपने विखंडित नहीं होता है, अपने पथ से नहीं हटता है, यानी विक्षेपण की क्षमता
जो विक्षेपण है वह सबसे ज्यादा तो किसमें होगा, वॉयलेट के रंग में, बैंगनी रंग में, और सबसे जो कम प्रकाश का विक्षेपण होगा वह किसमें होता है, लाल कलर या रेड रंग के अंदर होता है। उसके बाद इसका क्रम दे रखा है, सबसे ज्यादा कम विक्षेपण किसमें होगा, रेड कलर में, फिर ऑरेंज के अंदर, जिस ऑरेंज के अंदर, फिर उसके बाद येलो, फिर उसके बाद ग्रीन, उसके बाद ब्लू, उसके बाद इंडिगो और उसके बाद वॉयलेट। इंडिगो, इंडिगो का मतलब होगा जामुनी, इंडिगो का मतलब, देखो यहाँ पर ये क्रम दे रखा है, वी का मतलब होगा वॉयलेट, वॉयलेट का मतलब होगा बैंगनी, आई, आई का मतलब होगा इंडिगो, इंडिगो का मतलब होगा जामुनी, बी, बी का मतलब होगा ब्लू, ब्लू का मतलब होगा हिंदी में नीला, और जी, जी का मतलब होगा ग्रीन, हरा, ये वाई, वाई का मतलब होगा येलो, येलो का अर्थ होगा पीला, और ओ का मतलब होगा ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब होगा ऑरेंज कलर का, और रेड, रेड का मतलब होगा लाल कलर, लाल रंग। इस प्रकार से यह सब एक प्रकार से क्रम है इनका, जो सबसे प्रथम स्थान पर आएगा वह कौन सा आएगा, आर, फिर ओ, फिर वाई, फिर जी, फिर बी, आई और वी। इस प्रकार से यह स्पेक्ट्रमों का जो निर्माण होता है इसको क्या कहते हैं, प्रकीर्णन की घटना। यह एक प्रकार का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। जब कोई प्रकाश की प्रिज्म से गुजरता है तो इस प्रकार से विभिन्न रंगों में बटना क्या कहलाता है, विक्षेपण, और यह विक्षेपण क्या किसको निर्माण करता है, स्पेक्ट्रम को निर्माण करता है। अभी मैंने कहा यह एक इंद्रधनुषीय घटना है, इसी के कारण इंद्रधनुष बनता है। अब इंद्रधनुष कैसे बनता है, अब समझना मित्रों, यहाँ पर कोई सूर्य है इस अवस्था में, यहाँ पर सूर्य तेज अवस्था में है, और अचानक आकाश में क्या आ गए, बादल आ गए, और बादलों के कारण तेजी से क्या हो रही है, वर्षा होने लग गई। आकाश में बादलों के अंदर सूर्य भी है और तेजी से बादलों के कारण वहां पर क्या हो रही है, वर्षा हो रही है, और इस वर्षा में ये प्रकाश जो जल की बूंदें हैं ये एक प्रकार का प्रिज्म का कार्य करेगी, यानी ये प्रकाश जब इस बूंद से टकराएगा तो टकराने के कारण इस प्रकार ये कौन सा होगा, श्वेत रंग होगा, और ये श्वेत रंग वापस टकराने के बाद, इस बूंद से टकराने के बाद, इस बूंद से जब जल की बूंदों से वापस बाहर आएगा तो ये परावर्तन की घटना होगी, और इस परावर्तन की घटना के अंदर यह प्रकाश हमें सात रंगों में दिखाई देता है और हमारे सामने क्या बन जाता है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इस प्रकार का ये जो इंद्रधनुष है यह कब होता है, जब सूर्य भी हो और वर्षा ऋतु दोनों हो रही हो, और आपने देखा है आकाश में जिधर सूर्य होता है उसके जस्ट विपरीत दिशा में क्या बनता है, प्रिज्म बन, ये इंद्रधनुष बनता है। तो यह जो बूंद है, यह जल की बूंद, ये एक प्रकार का प्रिज्म है, और ये सात रंगों में जो इंद्रधनुष बन रहा है यह हमारे लिए क्या है, स्पेक्ट्रम है, और सूर्य हमारे लिए प्रकाश का क्या हो गया, स्रोत हो गया। तो इस प्रकार से हमने यह अध्ययनों से, इस प्रयोगों के द्वारा भी यह सिद्ध होता है कि प्रकाश जो होता है वह सात रंगों से मिलकर के बना होता है। इन रंगों में कहीं पर भी अपन को एक तो काला रंग नहीं मिलता, याद रखना सात रंगों में कोई भी काला रंग नहीं होता है, जबकि आकाश का रंग जो होता है वह काला होता है, लेकिन जब सूर्योदय होने के बाद कुछ समय के बाद हमें आकाश नीला दिखाई देता है, उस नीला दिखाई देने का कारण भी यहाँ पर यह बैंगनी रंग है। यानी सबसे ज़्यादा जो प्रकीर्णन होगा वह सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होगा, बैंगनी रंग का होगा, और इस बैंगनी रंग के प्रकीर्णन के कारण ही, यह बैंगनी रंग के प्रकीर्णन के कारण ही हमें सूर्य जब उदय होने के कुछ समय बाद आकाश कैसा हो जाता है, नीला, लेकिन जब सूर्योदय हो रहा होता है सुबह के समय तब आकाश हमें कैसा दिखाई देता है, लाल, क्योंकि श्वेत प्रकाश की सबसे पहली किरण अगर पृथ्वी पर पहुंचेगी तो कौन सी पहुंचेगी, लाल कलर की प्रकाश की किरण पहुंचेगी, और इसके कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल कलर का, और कुछ समय के बाद जब ये सूर्य ऊपर आ जाता है क्षितिज अवस्था से तो उस समय सभी सातों रंग मिल जाते हैं, और उस समय जो प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा विक्षेपण होता है उस विक्षेपण किसका होगा,
वायलेट कलर का, बैंगनी कलर का, और इसके कारण हमें आकाश कैसा दिखाई देगा, नीले कलर का आकाश दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकीर्णन के कारण भी दो वैज्ञानिक घटनाएं हो रही है, इंद्रधनुष का निर्माण वह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकीर्णन के कारण होता है, और सूर्य का लाल दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना, यह सब किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण। तो मित्रों, अपन ने प्रकाश के बारे में तीन प्रकार की घटनाओं का अध्ययन कर चुके हैं, परावर्तन की घटना, फिर दूसरा अपन ने पढ़ा अपवर्तन की घटना, और तीसरा अपन ने आज पढ़ा है प्रकीर्णन की घटना। इस प्रकार से अपन प्रकाश के द्वारा होने वाली तीन प्रमुख घटनाओं का अध्ययन कर चुके हैं। आगे अपन इस अध्याय में गोलीय दर्पण और समतल दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे। मित्रों, धन्यवाद।